नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर से ले चलती हूँ आपको कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता, या कहीं आप वचन हैं, जो है कवयित्री अक्क महादेवी के। महादेवी वर्मा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन आज हम महादेवी वर्मा नहीं अक्का महादेवी है, जो कि कन्नड़ साहित्य की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है, उनकी हम रचना आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उनकी रचना को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। अक्क महादेवी। अक्क महादेवी कन्नड़ साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती हैं। कन्नड़ साहित्य को इनकी बहुत अच्छी देन है। इनकी जो रचना है उन्हें वचन कहा जाता है, इनके जो पद थे उन्हें वचन कहा गया है। अक्का महादेवी के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो अक्का महादेवी जो है ये 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री है, एक परम शिव भक्ति। जैसे आपने मीराबाई के बारे में जाना होगा कि मीराबाई जी कृष्ण जी की परम भक्त थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी, माधुर्य भाव की भक्ति इन्होंने की थी। सेम वैसे ही हमारे जो अक्का महादेवी है, इन्होंने भी शिव से प्रेम किया था, शिव भक्ति में लीन रहती थी और शिव को ही अपना पति मानती थी। शिव जी की परम भक्तिन मानी जाती है। पिता इनके निर्मल शेट्टी और माता सुमति थी। इनके यहाँ सुपुत्री महादेवी जी का जन्म शिव मोगा जिले के शिकारीपुर तालुक के गांव में लगभग 1130 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता शिव भक्त। 10 वर्ष की आयु में महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया है। प्रभु की सगुण भक्ति करती थी। अब सगुण और निर्गुण क्या होता है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ क्या होता है। देखिए, जब हम ईश्वर का आकार रूप या कहिए हम शारीरिक बनावट उनकी अपनी अपने दिमाग में रख के उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, मतलब उनका एक आकार मान के हम उनकी भक्ति करते हैं, तो वो होती है सगुण भक्ति। और किसी आकार को नहीं मानते, किसी शारीरिक रचना को हम नहीं मानते, बिना किसी आकार के हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो कहलाती है निर्गुण भक्ति। जैसा कबीरदास जी ने किया था, वो निर्गुण भक्ति थी, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, ठीक है। और सगुण भक्ति में जैसे तुलसीदास जी हमारे, उन्होंने राम जी की भक्ति की थी, सूरदास जी उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति की थी, मीराबाई हमारी कृष्ण भक्ति करती थी, तो ऐसे ही इनकी भक्ति भी क्या थी, सगुण भक्ति थी। भक्ति भाव के चार प्रकार दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव में महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। देखिए, मैंने आपको बताया था दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास जी ने की थी, सखा भाव की भक्ति सूरदास जी ने की थी, वात्सल्य भाव की रचती जब ईश्वर को अपना पुत्र मान करके, या ये कहिए संतान रूप में अगर भक्ति की जाती है, तो वो कौन सी भक्ति कहलाती है, वात्सल्य रस की भक्ति कहलाती है। जैसे श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन करना, बाल लीलाओं का वर्णन करना, या कहिए सूरदास जी द्वारा जो कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया गया, वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण था, इसीलिए उसे क्या कहा गया, वात्सल्य भाव की भक्ति कहा गया। और माधुर्य भाव की भक्ति ईश्वर का अपना सर्वस्व मानकर, अपना पति मानकर की जब भक्ति की जाती है, तो वो माधुर्य भाव की भक्ति कहलाती है, ठीक है। तो महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति थी, वो शिव को अपना पति मानती थी, प्रियतम मानती थी। यह भगवान शिव को चेन्न मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु कहकर संबोधित करती थी। जैसे कृष्ण जी अपने जो मीराबाई है वो कृष्ण को गिरधर गोपाल कह करके संबोधित करती थी, ऐसे ही जो अक्का महादेवी है ये अपने स्वामी यानी शिव जी को चिन्ह मल्लिकार्जुन के नाम से संबोधित करती थी, जिसका मतलब होता है सुंदर चमेली के फूल के समान सफेद और श्वेत सुंदर प्रभु, ठीक है। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। उत्तर भारत की भक्तिमती मीराबाई के कृष्ण प्रेम के समान ही महादेवी जी की भगवान शिव में प्रीति थी। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ कुछ मीराबाई के जीवन के ही समान था। बहुत कुछ समानता इनमें देखने को मिलती है। कन्नड़ की मीराबाई इन्हें कहा जाता है, हमारे हिंदी की मीराबाई को मीराबाई थी, ऐसे ही कन्नड़ की मीरा इन्हें कहा जाता है अक्का महादेवी को। इनका विवाह जो हुआ था, देखिए विवाह संबंध में इनकी क्या
जानकारी मिली है। देखिए, युवा अवस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी, बहुत सुंदर थी अक्का जी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव लिखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और इनका विवाह नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह हो, वो भक्ति मार्ग में ही उन्हें प्रशस्त करना चाहते थे। राजा की धमकियों से डरकर वह विवश होकर वे इनका विवाह राजा कौशिक से करा देते हैं। जब राजा से विवाह के लिए मना कर दिया जाता है इनके माता पिता द्वारा, तो वो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। राजा है, राजा अपनी बादशाहत को कैसे छोटा होता देख सकता है, तो वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, इसलिए जबरदस्ती उन्हें विवश होना पड़ता है अक्का का विवाह, महादेवी जी का विवाह राजा कौशिक से करवाने के लिए। अक्का महादेवी का पूरा मन तो सिर्फ अपने चिन्ह मल्लिका अर्जुन की आराधना में ही रहता है, जिनको यह अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक ने विभिन्न प्रयास किए कि वो कैसे ना कैसे करके अपनी पत्नी को लुभा सके, उनसे प्रेम कर सके, मतलब प्रेम भरी बातें उनसे कर सके, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। उन्होंने विभिन्न प्रयास किए महादेवी जी को अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका हर प्रयास विफल होता। महादेवी जी राजा को अपने पास ना आने देती और यही कहती रहती कि मेरे पति तो चिन्ह मल्लिकार्जुन अर्थात शिव ही मेरे पति हैं। महादेवी जी का यह आचार राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनका यह व्यवहार राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता। सामान्य सी बात है, विवाह होने के पश्चात जब स्त्री किसी और का नाम लेकर अपने पति को बताती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और यही बात यहाँ हुई। जब विवाह होने के बाद में राजा कौशिक ने उनके पास आने की कोशिश की तो उन्हें मना कर दिया गया, और वो यही कहती कि मेरे पति तो चिन्ह मल्लिकार्जुन है, आप मेरे पति नहीं है। जब दूसरे लोग ये सुनते तो राजा को अपमानित होना पड़ता था, और इसी अपमान के कारण इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्य सभा बुलाई गई, और उस सभा के अंदर महादेवी जी यही कहती रही कि मेरे पति तो चिन्ह मल्लिकार्जुन है। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा थी। मतलब जब वो नहीं मानी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि राजा कौशिक ही उनके पति हैं, तो राजा कौशिक ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया और कह दिया कि आपको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेवी जी को बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकारता देखकर राजा को और गुस्सा गया। जब रानी ने स्वीकार कर लिया, महादेवी जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, तो राजा को और ज्यादा गुस्सा गया, और उन्होंने क्या किया, उसने उनको सभी वस्त्र आभूषण जो कि राजा के दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़कर जाने को कहा। यानी उस समय पर महादेवी ने जो भी वस्त्र धारण कर रखे थे, जो भी आभूषण उन्होंने धारण कर रखे थे, राजा ने कहा कि ये सब मेरे दिए हुए, इसलिए आपको इन सबको भी यही त्याग कर जाना पड़ेगा। उसी समय महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत भाव से राजा का कहा माना, और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्त्र या आभूषण धारण नहीं किए। यानी पूरा जीवन उन्होंने निर्वस्त्र होकर शिव की भक्ति की और निर्वस्त्र होकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अपने चिन्ह मल्लिकार्जुन की प्रिया महादेवी ने देह को लंबे केशों से ढका और राजमहल से चली गई। जब राजा ने उन्हें अपमानित किया और अपमानित करके कहा कि आपने जो वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे वो भी मेरे ही दिए हुए हैं, तो उन्होंने उन वस्त्र और आभूषणों को भी त्याग दिया और संपूर्ण जीवन बिना वस्त्रों के, बिना आभूषण के व्यतीत किया। आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक यात्रा। यानी महादेवी जी की जो आध्यात्मिक यात्रा थी वो कैसे प्रारंभ हुई, देखिए। निर्वस्त्र महादेवी को समाज से बहुत दुत्कार मिली। सामान्य सी बात है, किसी स्त्री को जब निर्वस्त्र देखा जाता है तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उसे हे दृष्टि से समाज में देखा जाता है। तो वही हमारी महादेवी जी के साथ में भी हुआ। लोगों ने बहुत प्रकार से इन्हें समझाने की कोशिश की, पर ये ना डिगी और यही कहती रही कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता है, कि भगवान से ही मिलना है तो भगवान से तो आत्मा का मिलन होता है, इसमें वस्त्रों से ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगलों से गुजरते हुए अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए समाज की निर्भीकता वे दृढ़ता से सामना करते हुए कल्याण पहुंची। कर्नाटक के बिदार जिले का नगर शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ माना जाता था उस समय, और यहीं पर अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से भी नहीं निकलती थी, वे शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी नहीं थी। उस युग में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली। बासव, अल्लम प्रभु आदि अन्य संत जो पहले महादेवी जी को समर्थन नहीं दे पा रहे थे,
और इनकी निर्वस्त्र अवस्था से परेशान थे महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनका आध्यात्मिक पथ पर सहमति दी और अनुभव मंडप में प्रवेश दिया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता व नम्रता ने सबको प्रभावित किया। इनको नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इनका नाम अक्का महादेवी हुआ। इनकी जब विचारधारा को लोगों ने सुना तो उनकी विचारधारा को सुनकर लोग प्रभावित हुए और जो लोग इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे उन्होंने इन्हें अपने अनुभव मंडप में प्रवेश दिया और प्रवेश देकर इन्हें नए नाम से संबोधित किया जो अक्का था। अक्का का अर्थ होता है हिंदी में बड़ी दीदी, तो बड़ी दीदी इनके नाम के आगे लगा दिया गया और इस प्रकार इनका नाम क्या हो गया, अक्का महादेवी। आगे चलते हैं। कल्याण में कुछ समय रहकर इन्होंने संतों व अन्य भक्तों के बीच उनके संग में आध्यात्मिक उन्नति की और इनकी भगवत प्रेम में प्रगाढ़ता हुई। समय के साथ इनको अनुभव हुआ कि भगवत मिलन में सिर्फ जिज्ञासा, आत्मज्ञान व संयम पर्याप्त नहीं है। भगवान से एक होने के लिए निष्काम प्रेम, अनन्य श्रद्धा, भक्ति आवश्यक है। बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ तो यह अल्लम प्रभु जी के आज्ञा पाकर श्री शैल चली जाती है। श्री शैल में भगवान चिन्ह मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री शैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक एक गुफा थी। अक्का महादेवी इस गुफा की शरण लेती है और एकाग्रचित होकर तप करती है। तप के प्रभाव से इनके अंतर मन में निर्गुण भाव प्रकट हो जाता है और इनको सब में एक भगवान का ही अनुभव होता है। अल्प आयु में ही इनको आत्मज्ञान, आत्म अनुभव हो जाता है और ये लिंगक के अर्थात भगवान चैन मलिकार के लिंग से इनका एकाकार हो जाता है अर्थात अंत में ये उन्हीं के लिंग में समाहित हो जाती है। शिवलिंग जिनकी ये पूजा करती है उस शिवलिंग में ये अंतर्धान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा कि मीराबाई भी अंत में नृत्य करती हुई अंत समय में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार हमारे जो अक्का महादेवी हैं ये भी अंत समय में पूजा करते हुए या तपस्या करते हुए ही शिवलिंग में समाहित हो जाती हैं। इनका कन्नड़ साहित्य में जो योगदान है वो किस प्रकार है, देखिए। अक्का महादेवी एक महान कन्नड़ कवयित्री हुई है। इनकी कविताएं भगवान चन्न मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित है। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुछ 430 वचनों को लिखा है जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं जो कुछ साहित्यकारों द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवादित है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो वचन है वो भी अनुदित है, अनुवाद किए हुए हैं। अक्का ने सत्पुरुषों के संग पर एक वचन लिखा है, बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग होती नहीं उत्पन्न अग्नि, बिना संग बीज होता नहीं अंकुरित, बिना संग खिलते नहीं फूल, बिना संग मिलता नहीं सर्व सुख, चन्न मल्लिकार्जुन नैया तुम्हारे महानुभवियों के संग मैं परम सुखी बनी। यहाँ पर भी इन्होंने चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव को ही संबोधित करते हुए अपनी रचना लिखी है। तो आइए चलते हैं अब हम इनकी रचना की ओर, इनके वचनों की ओर। इससे पहले वचनों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ लघु कृतियां भी लिखी है जैसे योगांग, त्रिविधि, स्वर वचन, मंत्र गोप्य, सृष्टि के वचन इत्यादि। अक्का महादेवी बसव अल्लम प्रभु यह भक्त लिंगायत धर्म या वीर शैव धर्म के अनुयायी थे। समाज की उन्नति में और लोगों को आध्यात्म की ओर बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा। भगवान पर विश्वास और चन्न मल्लिकार्जुन के प्रति अथाह प्रेम भक्ति, निर्भीक व हिम्मत, दृढ़ता और विश्वास से भरपूर थी हमारी अक्का महादेवी जी। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी रचना को अर्थात हमारी जो पुस्तक में इनके वचन सम्मिलित किए गए हैं दो, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। यहाँ पर कवयित्री ने अर्थात यहाँ पर महादेवी जी ने, अक्का महादेवी जी ने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने चराचर यानी निर्जीव और सजीव संपूर्ण पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा है। संबोधन शैली में लिखा हुआ ये वचन है। इसमें संबोधित करते हुए कहा है अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए, यानी हमारे जो इंद्रियां, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें अपने वश में रखने की बात कही है यहाँ पर कवयित्री ने। क्या कहा है, देखिए, हे भूख मत मचल, कि हे भूख
तू मचल मत, कंट्रोल में रखने की बात यहाँ पर की है, नियंत्रण में रखने की बात यहाँ पर करी है इंद्रियों को, कि हे भूख तू मचल मत, मुझे व्याकुल मत कर, हे प्यास तड़प मत, हे प्यास तू भी तड़प मत, अर्थात भगवान की भक्ति करने के लिए इन इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक होता है। और वही यहाँ पर कवित्री कह रही है कि हे भूख तू मुझे व्याकुल मत कर, तुम मुझे व्याकुल करती हो, तो व्याकुलता से मैं भगवान की भक्ति कर नहीं कर पा रही हूँ, यानी ध्यान केंद्रित मैं नहीं कर पा रही हूँ। हे प्यास तू भी तड़प मत, क्योंकि ऐसा करने से मेरी भक्ति में व्याधा उत्पन्न हो रही है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हे नींद मत सता, हे नींद तू भी मुझे आलस्य से मत भर, क्योंकि ये भी मेरी भक्ति में कठिनाई उत्पन्न कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे क्रोध तू भी उथल पुथल मत मचा, अर्थात शांत रहने का संदेश यहाँ व्यक्त कर रही है कवियत्री। हे मोह पाश अपने ढील, मोह से कह रही है कि हे मोह तू अपनी जकड़ को, पाश होता है बंधन, हे मोह अपने बंधन को तू ढीला कर। क्यों? लोभ मत ललचा, हे लोभ मुझे लालायित मत कर, मुझे मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, मद यानी होता है अहंकार की, हे अहंकार घमंड मुझे मदहोश मत कर, यानी मुझे जो है नशीला, मतलब अहंकार जो होता है वो नशे का काम करता है, तो हे अहंकार हे मद हे घमंड तू भी मुझे अहंकार में मत डुबो, मुझे मदहोश मत कर। ईर्ष्या जला मत, हे ईर्ष्या तू भी मुझे मत जला, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, ये इंद्रियों को जब हम वश में नहीं रख सकते, कंट्रोल में नहीं कर सकते, नियंत्रण में नहीं कर सकते, तो ये सारी अवस्थाएं हमें बहुत गलत मार्ग पर ले जाती हैं, हमें हमारे मार्ग में हमें लक्ष्य प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवयित्री ने इसलिए कहा है कि अपनी इंद्रियों को जब तक हम वश में नहीं करेंगे, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याधा उत्पन्न करती हैं, बाधाएं उत्पन्न करती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। तो हमें कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हमें हमारी इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। ओ चराचर मत चूक अवसर, पृथ्वी के प्राणियों को ये संबोधित कर रही है कि हे चर और अचर प्राणियों, मैं आप लोगों को अवसर मिल रहा है, मैं उस अवसर के संदेश लेकर के आई हूँ। चिन्ह मल्लिका शिव मल्लिका अर्जुन का, अर्थात मैं भगवान शिव का ये संदेश लेकर के आई हूँ कि आप इतना अच्छा अवसर मत गवाइए भगवान की भक्ति करने का। अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए, और अपनी इंद्रियों को वश में करके एकमात्र कार्य जो होता है वो है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। तो उस समय को, उन इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वचन इन्होंने ये कहा है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर को यहाँ ने संबोधित किया है उन्होंने, भगवान को शिव को इन्होंने संबोधित करके कहा है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं से उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अर्थात ये कहना चाह रही है यहाँ कि मेरे जीवन को अभावों से इतना भर दीजिए, मेरे जीवन में हर चीज का अभाव हो, ताकि मुझे किसी चीज को पाने की लालसा ना रहेंगे। जब मेरे जीवन में कुछ होगा ही नहीं तो मुझे ना तो खोने का डर होगा, और मुझे सिर्फ पाना होगा, मुझे प्राप्त करना होगा, तो मुझे सिर्फ आपको ही प्राप्त करना, अर्थात मुझे शिव की ही प्राप्ति करनी है। इसलिए मुझे सब चीजों का अभाव मेरे जीवन में हो, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करने में अपना मन लगा रहे। जैसे यहाँ कहा है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जूही का फूल बहुत छोटा सा सफेद रंग का फूल होता है, तो उसकी तुलना इन्होंने अपने भगवान शिव से की है और कहा है कि मंगवाओ मुझसे भीख, कि मुझसे तुम भीख मंगवाओ, यानी मुझे इतना अभाव से भर दो कि मैं भीख मांगने को मजबूर हो जाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। अपना घर से संबंध क्या है यहाँ, अपने घर से तात्पर्य है सांसारिक मोह माया से, ठीक है, सांसारिक मोह माया से ये है कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, इस संसार की जो मोह माया है उसको मैं पूरी तरीके से भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, और मैं संसार में सबके सामने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी झोली फैलाऊं। झोली क्या होता है? दामन आंचल, कि मैं अपना आंचल फैलाऊं भीख मांगने के लिए, और मुझे कुछ भी भीख ना मिले, मुझे कहीं से कुछ भी ना मिले, और यदि कोई देने के लिए हाथ भी बढ़ाए, यानी कोई
प्रयास भी करे मुझे देने का, तो वह मैं लेते समय वो नीचे गिर जाए, यानी मैं उसको ना झेल सकूं, वह नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने की, यदि मैं उसको पाने का प्रयास भी करूं, उसको वापस झुककर उठाने का प्रयास भी करूं, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर ले जाए। अर्थात वो अवसर जो मुझे किसी और से प्राप्त हो रहा है वो किसी और के द्वारा छीन लिया जाए, क्योंकि मेरी मनोकामना क्या है, मेरी कामना तो यही है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं, मैं भगवान शिव के दर्शन कर सकूं, मैं अपने पति के दर्शन कर सकूं, और वो सब कब होगा, जब मैं अभावों में जीवन ये व्यतीत करेंगी, उन अभावों में रहते हुए इनका एकमात्र लक्ष्य क्या होगा, भगवान की भक्ति करना, अपने ईश्वर को प्राप्त करना, जूही के फूल जैसे अपने परमात्मा को चंद मल्लिकार्जुन को प्राप्त करना, यही इनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। तो इसी प्रकार इन्होंने ये कहा है यहाँ कि मुझे इतना अभावों से भर दीजिए कि मुझे आपके अलावा, भगवान शिव के अलावा मुझे और कुछ दिखाई ना दे। और यहाँ पर इन्होंने यही यहाँ से ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही ध्यान चाहिए, आपका ही मुझे दर्शन चाहिए। तो ये थी हमारी अक्क महादेवी जी की रचना, अक्क महादेवी जी के वचन। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।